हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट। और मैं हूँ सोनिया शर्मा। कैसे हैं आप सब? आप सब तो बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज सॉस जो कि बर्गर, सैंडविचेस और फ्रेंच फ्राइज के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी और जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चीज सॉस बनाने के लिए लेंगे हम सबसे पहले पैन और इसको लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें डालेंगे लगभग 50 ग्राम तक बटर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच मैदा। मैदा को बस इतना ही भूने कि उसका कच्चापन निकल जाए, इसको ज़्यादा नहीं भुनना है। जैसे ही मैदा हल्का सा भुने तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर और इन सबको अब आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। आप इस रेसिपी को 3 से 4 मिनट के गैप में घर में कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आपको ये चीज़ सॉस जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे घर में ट्राई जरूर करें। और इनको हल्का सा मिक्स करते ही इसमें हम डाल देंगे 150 ml के करीब दूध, लगभग एक बड़ा कप। अब इसको चलाते हुए पका ले जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाता है। देखिए, जब पैन में आप स्पैचुला को इस तरह से चलाएंगे तो सॉस धीरे धीरे से आपस में मिलना चाहिए। दूध डालने के बाद इसको चलाते हुए मैंने बस 1 मिनट के लिए ही पकाया है। अब सॉस को 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे चीज या चीज स्लाइसेस। मैं यहाँ पे 3 से 4 स्लाइसेस यूज कर रही हूँ जो कि नॉर्मल वाइट चीज स्लाइसेस ही हैं। आप चाहें तो चेडर चीज स्लाइसेस भी यूज कर सकते हैं जिसका कलर थोड़ा सा येलो होता है। अगर आप चीज स्लाइसेस की जगह मोजरीला चीज डाल रहे हैं तो इसमें कम से कम 40 से 50 ग्राम तक डाल दें। जैसे ही चीज मेल्ट होके मिक्स हो जाए इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास चीनी। चीनी डालने के बाद इसको सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही पकाएं। तो लीजिए, 30 सेकंड पकाने के बाद ही आपकी चीज सॉस तैयार है। बस चीज सॉस की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है, इसको ज्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ठंडा होने पर ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस चीज सॉस को आप नाचोस, फ्राइज या सैंडविचेस जिसके साथ भी आपका मन करे एंजॉय करें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि चीज सॉस कैसी बनी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।